गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ अनामिका मिश्रा। हम लोग इंडक्शन मोटर पढ़ रहे थे। इंडक्शन मोटर में हम लोग कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, उनको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला फॉर्मूला था हमारा NS इज इक्वल टू 120 F अपॉन में P। ठीक है, मतलब अगर हमें स्टेटर की स्पीड निकालनी है तो 120 F अपॉन में P। P क्या है? हमारा पोलो की संख्या, और F क्या है? हमारी फ्रिक्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे दूसरा एफ आर इज इक्वल टू एस इंटू एफ। एफ आर क्या है? रोटर फ्रिक्वेंसी। एस क्या है? स्लिप। और एफ क्या है? सप्लाई फ्रिक्वेंसी। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि वॉट इज रिलेशन बिटवीन रोटर फ्रिक्वेंसी एंड स्लिप स्पीड, तो एफ आर इज इक्वल टू एस इंटू एफ। थर्ड क्वेश्चन था हमारा कि परसेंटेज स्लिप, मतलब स्लिप इज इक्वल टू क्या होता है? तो परसेंटेज स्लिप इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर अपॉन में एन एस इंटू 100। मतलब कि स्लिप स्पीड वो स्पीड होती है जो हमेशा रोटर की स्पीड को प्राप्त करना चाहती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्लिप स्पीड कहते हैं। फॉर्मूला हो गया एन एस माइनस एन आर अपॉन में एन एस इंटू 100। अच्छा, जो एक सबसे इंडक्शन मोटर में सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है वो है टॉर्क प्रोपोर्शनल टू एस। मतलब कि जितना हम स्लिप के, जितना हम टॉर्क के मान को बढ़ाएंगे उतना ही स्लिप के मान भी बढ़ता है। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए एक 440 आरपीएम पे इंडक्शन मोटर चल रहा है जिसमें पोलों की संख्या 6 है, टॉर्क को हमने 3 गुना तक बढ़ा दिया है या टॉर्क को हमने 3% तक बढ़ा दिया है, तो स्लिप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हम कहेंगे कि अगर टॉर्क 3% तक बढ़ गया तो स्लिप जो होगी वो भी 3% तक बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि एक 1200 आरपीएम पे इंडक्शन मोटर चल रही है जिसमें पोलों की संख्या 6 पोल है, 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है, तो अगर हमने टॉर्क को 4% तक बढ़ा दिया है तो स्लिप का बढ़ा हुआ मान ज्ञात कीजिए। तो आप क्या बोलेंगे कि स्लिप जो होगी वो भी 4% तक बढ़ जाएगी। मतलब कि जितना हम टॉर्क को इंक्रीज करेंगे उतने ही हमारी स्लिप भी इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में प्रोपोर्शनल का साइन है। ठीक है, ये 4 फॉर्मूले हम लोग पढ़े थे। इसके आगे इंडक्शन मोटर में कई सारे फॉर्मूले हैं जो हम आगे धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंडक्शन मोटर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो सबसे पहले इंडक्शन मोटर की 2 टाइप्स होती हैं। एक होता है सिंक्रोनस मोटर और दूसरा होता है नॉन सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, और नॉन सिंक्रोनस मोटर को ही हम लोग क्या कहते हैं? इंडक्शन मोटर। इसी को हम लोग कहते हैं इंडक्शन मोटर। अब देखिए, इंडक्शन मोटर जो है वो आपका 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक सिंगल फेज में और एक 3 फेज में। तो इंडक्शन मोटर 2 पार्ट में हमारा डिवाइड हुआ, एक हुआ 3 फेज इंडक्शन मोटर और दूसरा आया हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ठीक, 3 फेज इंडक्शन मोटर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला हो जाएगा हमारा स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। ठीक, दूसरा हो जाएगा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर और तीसरा हो जाएगा डबल केस इंडक्शन मोटर। तो देखिए, जब हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया तो सिंक्रोनस मोटर
इलेक्ट्रिक मशीन का एक टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर है आपका जो आप पढ़ेंगे, तो इसको अभी आप छोड़ दीजिए। इसी को हम कहते हैं नॉन सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर मतलब एसी मशीनें यहाँ से स्टार्ट होती हैं। अभी तक आपने ट्रांसफार्मर पढ़ा था, ट्रांसफार्मर हमारा एसी पे वर्क कर रहा था, उसके बाद डीसी मशीन पढ़े, डीसी मशीन हमारा डीसी पे वर्क कर रहा था, अब फिर से एसी मशीनें स्टार्ट होती हैं। ये एसी मशीनें के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो एसी मशीनें हमारा इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, थ्री फेज और सिंगल फेज। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर भी आपका एक अलग से पूरा चैप्टर है जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। जितनी भी स्पेशल टाइप की मशीनें होती हैं वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में ही आती हैं, जैसे हमारा स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, कैपेसिटर इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर, हिस्टेरेसिस मोटर और यूनिवर्सल मोटर, सर्वो मोटर, एसी सीरीज मोटर, बहुत सारे मोटर्स हम इसके अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। प्रेजेंट टाइम में हम लोग पढ़ने थ्री फेज इंडक्शन मोटर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में तीन टाइप्स हो जा रहे हैं, एक स्क्वायरल केज, स्लिप रिंग और डबल केज इंडक्शन मोटर। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो होती है वो सेल्फ स्टार्ट मोटर होती है। सेल्फ स्टार्ट मोटर होती है। और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होती है वो नॉट सेल्फ स्टार्ट, मतलब कि सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, नॉट सेल्फ स्टार्ट मशीन, ठीक है। ये सेल्फ स्टार्ट, ये नॉन सेल्फ स्टार्ट होती है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दे रहे हैं। नॉट सेल्फ स्टार्ट होती है, इसको सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है। किस तरह से बनाया जाता है? वहाँ जब हमारी मेन वाइंडिंग होती है, जो रोटर घूमता है उस पर दो तरह की वाइंडिंग करते हैं, एक मेन वाइंडिंग और एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ठीक है। ऑक्सिलरी वाइंडिंग के सीरीज में हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच और एक कैपेसिटर जोड़ देते हैं, जैसी मोटर रहती है वैसा यूज करते हैं। तो जब कैपेसिटर और सेंट्रीफ्यूगल स्विच जोड़ते हैं तो वहाँ पे एक वाइंडिंग भी जोड़ लें, मोटर को अब हम चलाते हैं, ठीक है। मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाते हैं। जब मोटर 70% तक या 75% तक अपनी स्पीड को प्राप्त कर लेती है, उस टाइम सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑफ हो जाता है और ऑक्सिलरी वाइंडिंग वहाँ से हट जाती है और मेन वाइंडिंग पे मोटर जो होता है वो रोटेट करने लगता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग का हम यूज करते हैं और साथ में एक कैपेसिटर और सेंट्रीफ्यूगल स्विच को हम जोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। इसके आगे आप लोग पढ़ेंगे कि टॉर्क मैक्सिमम होने की कंडीशन क्या है, अगर स्लिप का मान एक है तो उस समय रोटर कैसा रहेगा, अगर स्लिप का मान जीरो कब होगा, टॉर्क कैसे फॉर्मूला क्या होगा, ये सारे हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। आज हम लोग देख रहे हैं, अब देखिए स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, स्क्वायरल मतलब कि ये मोटर जो होती है इसकी आकृति मतलब शेप जो होता है वो एक पिंजरा टाइप का बना होता है। इसको हम क्या करते हैं कि बार, कंडक्टर बार लगाते हैं और उस कंडक्टर बार के बीच में कॉपर या एल्यूमिनियम की छड़े डाल करके शॉर्ट कर देते हैं, इसलिए इस मोटर को शॉर्ट सर्किटेड रोटर भी कहते हैं। इसका स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो बहुत ही कम होता है और स्टार्टिंग करंट अधिक लेती है, ये रनिंग करंट कम लेती है। तो अगर हमें जहाँ पर स्टार्टिंग टॉर्क कम चाहिए और वहाँ पर हम इस मोटर का यूज़ करते हैं, जैसे लेथ मशीन हो गया, ड्रिल मशीन हो गया और पंपिंग वगैरह हो गया, इन सारे जगहों पर हम स्क्वायरल केज का यूज़ करेंगे। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर क्या होता है? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में
स्टेटर होता है और रोटर दो पार्ट हुए, तो स्टेटर को हम स्टार में कनेक्शन करेंगे और रोटर का भी हम स्टार में ही कनेक्शन कर देंगे। दोनों को ले आकर के हम शाफ्ट जो लगी होती है वहां पर अभी हम डायग्राम बनाएंगे तो आपको क्लियर होगा, बस थोड़ा सा बता देते हैं। शाफ्ट को ले आके इंसुलेट कर दिया जाता है और तीन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा करके हम शाफ्ट को वहां से निकाल करके सप्लाई देते हैं, ठीक है। ये होती है हमारी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। इस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही बेटर होता है। ये स्टार्टिंग करंट भी कम लेती है और इसका पावर फैक्टर भी इस मोटर का बहुत ही अच्छा होता है। तो हम इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप में एक्सेट्रा, इन सारे जगहों पे हम इसका यूज़ करते हैं। आप डीसी मशीन पढ़े थे, डीसी मशीन में अगर सबसे ज़्यादा कोई यूज़ होता है तो वो होता है हमारा स्क्वायरल डीसी संट मोटर या फिर डीसी कंपाउंड मोटर। और कंपाउंड मोटर में सबसे ज़्यादा यूज़ कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का होता है। इसी तरह से जब हम लोग एसी मशीन पढ़ते हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़ हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का करते हैं, ठीक है, क्योंकि इस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, ठीक है। अब देखिए स्लिप रिंग का डायग्राम कैसा होता है। ये मान लीजिए इन रिंग्स है, ये क्या है, इन रिंग्स है, इसको हमने कंडक्टर बार लगाए हुए हैं, देखिए ये है आपका कंडक्टर बार, ये क्या है कंडक्टर बार है, ठीक है। इसको हमने शॉर्ट कर दिया है, शॉर्ट नहीं करेंगे तो करंट को एक क्लोज सर्किट नहीं मिलेगा और अगर करंट को एक क्लोज सर्किट नहीं मिलेगा तो करंट फ्लो ही नहीं होगी, इसलिए शॉर्ट करना ज़रूरी है, ये ठीक है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये बना किसका हुआ है, देखिए ये है आपका कंडक्टर बार, कंडक्टर बार, ठीक। ये बना किसका हुआ है, सिलिकॉन स्टील का, सिलिकॉन स्टील। ये क्या है हमारा इन रिंग्स है जिनके द्वारा हम शॉर्ट कर रहे हैं, इन रिंग्स है और इसके बीच में ये जो दिख रहा है ये जो है ये कॉपर और एल्यूमिनियम, कॉपर और एल्यूमिनियम की रॉड है, ठीक है, कॉपर या एल्यूमिनियम की रॉड है जिसके जिसको हम इसके अंदर प्लेस्ड कर रहे हैं, ठीक है, किसको शॉर्ट करने के लिए, इसीलिए इसको शॉर्ट सर्किटेड, शॉर्ट सर्किट रोटर भी कहते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट रोटर भी कहते हैं। मैंने जैसा आपको बताया इसका स्टार्टिंग टॉर्क मतलब TST बहुत ही हाई होता है, ये सॉरी बहुत ही कम होता है, कम होता है, ठीक है। ये TST क्या लिखा हुआ है, स्टार्टिंग टॉर्क लिखा हुआ है, ये क्या है हमारा IST मतलब कि स्टार्टिंग करंट, स्टार्टिंग करंट इसका बहुत ही हाई होता है,
आ रही बात समझ में? ये क्या स्टार्टिंग करंट है और ये क्या हमारा स्टार्टिंग टॉर्क है। इसलिए हम इसका यूज कहाँ पे करते हैं, यूज ड्रिल मशीन, ड्रिल मशीन में, क्रेन में, क्रेन में एक्सेट्रा, इन सारे जगहों पे हम इस मशीन, इस रोटर का यूज करते हैं। ठीक है, ज्यादा यूज नहीं होता है, बहुत कम ही यूज होता है इसका। नेक्स्ट है हम लोग का स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ये मान लीजिए आपका क्या है, स्टेटर है, जिसका कनेक्शन हम किस में कर रहे हैं, स्टार में कर रहे हैं। ठीक है, और यहीं से आपकी थ्री फेज की सप्लाई निकली हुई है। ये क्या है हमारा, थ्री फेज सप्लाई, यहाँ से हम सप्लाई दे रहे हैं। ये क्या है हमारा, स्टेटर है, स्टेटर किस में कनेक्शन हुआ है, स्टार में, स्टार में। ठीक है, ये हमारा स्टेटर का कनेक्शन हो गया। अब हम रोटर का कनेक्शन करेंगे। तो रोटर के कनेक्शन के लिए मैंने आपको बताया था कि तीन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमें लगाने हैं। ठीक है, ये क्या है आपका, शाफ्ट है, यहाँ पे ये शाफ्ट जुड़े हुए हैं जिनको हम आपस में इंसुलेट कर दे रहे हैं ऐसे करके। ठीक है, और ये तीन एक्सटर्नल, तीन यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐसे। ठीक है, ये अब हम इसको कनेक्शन किस तरह से करेंगे। अच्छा, एक चीज और, ये क्या है हमारा, कार्बन ब्रश है, कार्बन ब्रश है। कार्बन ब्रश है, इसको यहां से लाए और यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ठीक, इसको यहाँ पे लाए और यहाँ पे कनेक्ट कर दिए, इसको यहाँ से लाए और यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया। मतलब कि साफ्ट को हम आपस में इंसुलेट करने का काम कर रहे हैं ऐसे। ये क्या है हमारा, साफ्ट है। अब इसको हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर रहे हैं, एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर ला करके, और थर्ड वाला यहाँ पर ला कर। तो देखिए, ये स्टेटर था, ये क्या है हमारा, रोटर। इसका भी कनेक्शन किस में हुआ है, स्टार में हुआ है, आपको दिख रहा है। ये जो ब्लैक ब्लैक पोर्शन है इसको हम कहते हैं कार्बन, कार्बन ब्रश, कार्बन ब्रश। ये जो लगा हुआ है, ये लगा हुआ है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये क्या है हमारा, साफ्ट है, साफ्ट है। इस रोटर को हम वॉन्ड टाइप, वॉन्ड टाइप रोटर भी कहते हैं, वॉन्ड टाइप रोटर भी कहते हैं। इस रोटर का स्टार्टिंग टॉर्क यानी TST बहुत ही अच्छा होता है। ये शुरुआत में IST मतलब कि स्टार्टिंग करंट जो होता है इसका कम होता है, बहुत कम होता है। और रनिंग करंट मतलब कि IRU कितना होता है, बहुत ही अधिक होता है। ठीक, इस रोटर का पावर फैक्टर, पावर फैक्टर बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद हम इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप में, सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, ये था हमारा स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। अब यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं, देखिए स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में बनेगा कि बताइए
जो हम शॉर्ट कर रहे हैं रॉड से, वो किस मटेरियल का बना होता है? तो किसका बना होता है? कॉपर या एल्यूमिनियम का बना होता है। फिर पूछेगा कि चार ऑप्शन दे देगा, स्क्वायरल के, स्लिप रिंग, कंपाउंड और डीसी संट मोटर। बताइए किस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क सबसे अच्छा होगा? तो किसका अच्छा होगा? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का होगा। यूज बताइए, तो दोनों का यूज आपको लिखा हुआ है, यूज बताना पड़ेगा। किस रोटर को हम शॉर्ट सर्किटेड रोटर कहते हैं? तो स्क्वायरल केज को। और किस रोटर को वॉन्ड टाइप रोटर कहते हैं? तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को। किस रोटर में हम बाहर से तीन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ते हैं उसके शाफ्ट में? तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में। या फिर पूछेगा कि बताइए स्टेटर और रोटर का कनेक्शन हम किस में करते हैं? स्टार में या डेल्टा में? स्टार डेल्टा में, डेल्टा स्टार में? तो हमें बताना होगा कि स्टार में ही हम उसका कनेक्शन करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।